दोस्तों स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले अध्याय 11 के बारे में मानव नेत्र एवं रंग बिरंग का संसार। पहला हमारा क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों लेंस का उपयोग करते हैं। तो जरा दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष से क्या होता है, तो एक प्रकार का रोग होता है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को निकट और दूर दोनों स्थान की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। और इसके लिए है क्या, तो अवतल उत्तल दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है, या इसको बाइफोकल लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को अधिकांश परावर्तन होता है। तो नेत्र कार्निया के बाहरी पृष्ठ से अधिकांश क्या होता है, परावर्तन होता है। आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो प्रकाश के प्रत्येक प्रकीर्णन किसका ज़्यादा होगा, तो नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है यानी कि लैम्ब्डा जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। और नीला रंग का क्या होता है कि प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है, पुतली के साइज में कौन नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो आपका रेटिना करता है। नेक्स्ट है, आंख व्यवहार होता है, मतलब आंख आपका किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो आंख आपका उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आंसर हमारा बी होगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूरदृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और जरा दृष्टि होगा तब बाइफोकल इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऐसे निकट दृष्टि दोष के आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम किस में झुकाव अधिक होता है, तो स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का झुकाव अधिक होता है। जैसे कि आपने एक प्रिज्म बना लिया और इसे प्रकाश किरण लेकर जाइएगा, तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद क्या होगा, 7 रंग बढ़ जाती है। तो में क्या होता है कि लनापी यानी जावे आपका ट्रिक होता है, इसमें बैगनी लास्ट में आता है, तो बैगनी रंग का झुकाव क्या होता है, सबसे नीचे होता है, अधिक होता है। हर वर्ण पर जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है, तो स्पष्ट रूप से जब दिखाई देंगे तो क्या होगा, पूर्ण वो शून्य वर्णपट कहलाता है, क्या शुद्ध वर्णपट, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र जिस पर भाग किसी वस्तु का प्रतिबिंब का, तो आपका है क्या, मानव जिस पर भाग आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपका दृष्टि पटल होता है, क्या होता है, दृष्टि पटल पर बनता है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तभी हमने पढ़ा मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को साफ नहीं दे सकता है उससे क्या होगा, जो नेत्र दूर रखी वस्तु को साफ नहीं दे सकता है, जो नेत्र निकट दृष्टि वस्तु को साफ नहीं देखेगा तो उसे क्या कहेंगे, तो दूर दृष्टि दोष कहा ज़्यादा है। सामान्य आँख की असमंजन क्षमता कितनी होती है, समान आँख की असमंजन क्षमता आपका होता है 4 डायोप्टर, कितना होता है जी, 4 डायोप्टर। कैसे होता है, क्योंकि आँख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, और फॉर्मूला होता है पी बराबर 1/100/f। तो ये पी बराबर आपका 1/25, एफ का मान कितना है हमारे पास, 25, न्यूनतम दूरी 25 होती है, 25 का कितना हो जाएगा 100, और लेंस की क्षमता का डायोप्टर। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख को जिस भाग पर पड़ता है वो है, तो मतलब आँख के किस भाग का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना वाले भाग पर आपका बनता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम का मान 10^10 मीटर होता है। नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आयरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं, आयरिस के पीछे वाली परत को क्या कहा जाता है, तो सीरियरी पेशिया कहा जाता है। आंसर नंबर हमारा डी होगा।
नेक्स्ट है सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु के प्रतिबिंब के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनाता है। यानी जो रेटिना प्रतिबिंब बनता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो आँख के इस गुण को क्या कहते हैं। तो जब भी आँख या दूरी निकट साफ साफ देखेगा तो उसको बोलते हैं आँख की असमंजन क्षमता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस दूरी के आँख के लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो आपका होता है सिलियरी पेशियाँ, पश्चिमाही पेशियाँ क्या आती हैं, आँख की फोकस दूरी को वो कम बेसी करती है। नेक्स्ट आएगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष हो सकता है। फोकस दूरी अगर कम हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है, तो इसमें फोकस दूरी क्या आती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष के वस्तु के प्रतिबिंब का रेटिना के पीछे बनता है। जिस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना के पीछे बनेगा तो वो कौन सा दोष होता है, तो वो होता है आपका दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में क्या आता है कि वस्तु का रेटिना के पीछे बनता है, और निकट दृष्टि दोष में क्या आता है कि प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। क्यों कहता है, क्योंकि अपसारी लेंस को अवतल लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग किस में करते हैं, तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ से नहीं देख सकता है, जो निकट के नहीं दिखेगा उसे क्या कहिएगा, कौन सा रोग कहते हैं, तो उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। याद रखिएगा निकट के अगर साफ नहीं दिखेगा तो उसे दूर दृष्टि दोष कहेंगे, और जो जो दूर के कहता है उसे कहते हैं। आंसर हमारा क्या जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष वाली साफ साफ देख सकती है, तो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, दूर को नहीं। की वस्तु क्या करेगा आपका, साफ साफ देख सकते हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत जो प्रकाश किरण रही है वो कई भागों में बांट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का वन विषय। जैसे आपका प्रिज्म हो गया, इसे प्रकाश जाएगी और प्रिज्म परतों के बाद ये कई सारे रंगों में बढ़ जाती है, तो इस घटना को वन विषयपन कहा जाता है। नेक्स्ट है एक प्रिज्म के कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म आपका 5 सतहों से घिरा होता है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित का होता है, तो लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और बीच बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन करा है कि कम किसका होगा, तो लाल रंग का कम होता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है, तो है क्या कि लाल रंग जिसका तरंगदैर्ध्य विचलन कम होगा उसका तरंगदैर्ध्य भी अधिक होता है, तो लाल रंग का क्या होता है, तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब ये क्या कि पित्त बिंदु के कुछ नीचे अन्य बिंदु रहता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे आपका अंध बिंदु कहा जाता है। आंसर नंबर हमारे क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है मानव नेत्र जिस पर भाग पर किसी वस्तु का बनता है वो क्या होता है, तो वो होता है दृष्टि पटल या रेटिना। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों
पर रखी वस्तु को फोकसित करता है तो ऐसा पाने का कारण क्या होता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं असमंजन क्षमता। नेक्स्ट है अभिनत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनत लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किसे किया जाता है? तो पश्चमावी पेशियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है वह स्वस्थ आँख की दूरी जो बिंदु होती है, तो समस्त आँख का अधिकतम जो दूरी होती है वह आपका अनंत होता है। इसमें हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैमरे की तरह नेत्र लेंस में प्रवेश के परिणाम को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस का जो काम होता है प्रकाश को आपको नियंत्रित करना होता है। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रकाश प्रवेश करता है? तो आपका पुतली के रास्ते क्या होता है? मानव में आपका आँख का जो पुतली वाला भाग होता है उसमें आपके क्या होता है प्रकाश से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है मानव नेत्र में ऊपरी परत क्या कहते हैं? मानव नेत्र के ऊपरी पटल क्या करते हैं? तो दृष्टि पटल कहा जाता है। नेक्स्ट श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है? तो अधिक विचलन झुकाव किसका होता है? तो बैंगनी रंग का। नेक्स्ट जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो आधार की ओर झुक जाता है, तो यह किस रंग का होता है? तो जो आपका अधिक झुकाव होता है मैंने अभी बताया कि विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का ज़्यादा होता है। चंद्रमा को से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा? तो चंद्रमा से देखने से आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई, नीला का जो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ आपका वायुमंडल नहीं पाया जाता है। प्रकाश के किन रंगों का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। श्वेत प्रकाश में कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 7 रंगों के मिलकर बना होता है। अगर क्या नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष आपका होगा? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि फोकस दूरी कम हो जाती है, इसलिए नंबर हमारा ए होगा। मेरे खतरे के निशान के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, अतः व्यक्ति को दूर से भी लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष का भीतरी जो अंदर का जो हिस्सा होता है वो कैसा कलर का होता है? तो आपका होता है बैगनी कलर का। अंदर कैसा होता है जी? बैगनी, और बाहर क्या होता है? लाल। नेक्स्ट है प्रकाश के घटक का तरंगों का टूटना क्या कहलाता है? प्रकाश के घटक तरंगों का टूटना क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग परिक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट है आकाश का नीला रंग होना ये कैसे का घटना है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, नीला रंग प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? और मानव नेत्र में उत्तर लेंस लगा होता है। नेक्स्ट है नेत्र के किस वस्तु में कौन सा ऐसा प्रतिम बनता है? तो वास्तविक उल्टा और क्या होता है? छोटा प्रतिम बनता है। नेत्र के द्वारा रेटिना पर जो प्रतिम बनता है वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट है आंसू किस द्रव के कारण बनता है? आंसू किस द्रव के कारण आपका बनता है? तो एक्वस है क्या? एक्वस ह्यूमर के कारण आपका क्या होता है? आंसू बनता है, आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10^10 मीटर का होता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष के अंदर द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? तो वो दृष्टि पटल या रेटिना होता है। दृष्टि पटल क्या होता है जी? रेटिना होता है। और रेटिना प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो हमने आपको बताया कि लाल रंग का क्या होता है कि तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो वर्ण विक्षेपण आपका होता है, आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मानव नेत्र किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल या रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा?
तो इस तरह हम अगर पृथ्वी से देखेंगे तो आकाश का रंग नीला दिखाई देगा, लेकिन चंद्रमा पर से देखेंगे तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल कण नहीं पाए जाते हैं और कण रहेगा तभी प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है। नेक्स्ट है, श्वेत रंग किसने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत रंग सात रंगों के मेल से बना होता है। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्ध्य का अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में आपका लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु क्या होती है? तो स्वस्थ आँख की दूरबिंदु कितना होता है? तो अनंत होती है। इन धनुष बनना या परिघटना किस पर आधारित है? तो प्रकाश के आपका परावर्तन अपवर्तन अलग का प्रकाश का आपका वन विषय इनमें से कोई नहीं। तो एक का प्रकाश का वन विक्षेपण पर आपका आधारित है। नेक्स्ट है, जो नेत्र स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उसको क्या बोलते हैं? जो नेत्र निकट का साफ साफ वस्तु को नहीं दिखाई देगा तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष का निकट की वस्तुओं को दिखाई नहीं देते, आप दूर की दिखाई देते। जो दोष रहेगा वो वहाँ के साफ दिखाई देगी, उसका अपोजिट आपको नहीं दिखेगा। आंसर नंबर यह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन के निलंबन कणों से प्रकाश को प्रकीर्णन कहा जाता है? तो इस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। सामान्य मानव का दूरबिंदु कितना होता है? तो दूरबिंदु आपका अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को व्यक्ति के कैसे चश्मा लगता है? निकट दृष्टि जिसको जो होगा उसको अवतल लेंस लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण को अपसारित करके वस्तु का प्रतिबिंब पर बना देती है, जिससे वहाँ प्रतिबिंब क्या आता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बन जाता है। मानव नेत्र की उपस्थित लेंस है, तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, आपका जल से लेंस बन सकता है, कांच से बन सकता है, प्लास्टिक से बन सकता है, लेकिन मिट्टी से लेंस उपयोग नहीं बनाया जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष के जिस दृष्टि दोष के नेत्र में क्रिस्टली ठोस धुंधला या अपारदर्शी दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब भी धुंधला या अपारदर्शी उसे बोलते हैं मोतियाबिंद। आंसर नंबर वाला डी। और इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य दृष्टि के व्यस्त के लिए सुपष्ट दर्शन के लिए अल्पतम दूरी कितनी होती है? यानी कि सबसे जो कम दूरी क्वेश्चन में आएगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। देखिए, ऑप्शन में यहाँ मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, हमको याद रखना है 25 सेंटीमीटर। अब स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम किस रंग के विकिरण से विचरण झुकाव सबसे आपका अधिक होगा? तो स्पेक्ट्रम से बैंगनी रंग का विचरण का झुकाव अधिक होगा। जैसे आपका ये स्पेक्ट्रम होगा, ऐसे प्रकाश किरण जाएगी तो सात रंग यहाँ से निकलती है, सात रंग बढ़ जाती है, और सबसे जो नीचे वाला होता है वो आपका बैंगनी कलर का होता है। नेक्स्ट है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन किया जाता है? तो पश्चमाभि के द्वारा आपका परिवर्तन किया जाता है। आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।